आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। गोरखपुर सर्किट हाउस पर डीआईजी डीएम एसएसपी सीडीओ ने किया स्वागत, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह 15 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता, तो प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव होंगे चीफ गेस्ट। कुलपति ने कहा, इस बार मेधावियों की सूची में बेटियों का जलवा, 32 पदकों पर जमाया कब्जा। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 135 शक्ति मंदिरों तथा हट्टी माता मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप के लोकार्पण का कार्यक्रम का देखा गया सीधा प्रसारण, कहा आज का दिन ऐतिहासिक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक, महिला समूहों को रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के दिए निर्देश। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 15 दिसंबर को आयोजित होगा 6वां दीक्षांत समारोह। प्रदेश की राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल होंगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, विश्वविद्यालय के 35 छात्रों को दिया जाएगा स्वर्ण पदक, वहीं 1174 छात्रों को मिलेगी डिग्री। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्वाचन संबंधित बैठक, कार्मिकों का डाटा तैयार करने की दी गई ट्रेनिंग, कहा जनपद के 30 से 35,000 कार्मिकों का तैयार किया जाएगा डाटा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्री पीएचडी छात्रों का सोमवार को भी धरना रहा जारी, छात्रों से वार्ता करने नहीं पहुंचा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, मामला जस का तस। जबकि कुल सचिव ने छात्रों से की अपील, कहा कुछ मांगे कर दी गई हैं पूरी, शेष मांगों पर होगा सकारात्मक पहल, दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में करे अपना सहयोग, बनाए रखे विश्वविद्यालय की गरिमा। 15 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होगा ग्राम पंचायत सम्मेलन, जिले के सभी ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद, डीपीआरओ ने दी जानकारी। सरकारी सहायता प्राप्त किए बगैर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के नवनिर्मित भवन का सीआरओ ने फीता काटकर किया उद्घाटन, कहा लेखपाल संघ भवन के बनने से लेखपालों को काम करने में होगी आसानी, कार्यों को मिलेगी गति। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने कुल सचिव कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 360 केंद्रों पर 27,918 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,945 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 21,073 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 2 दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का हुआ शुभारंभ। बीएसए ने कहा, प्रतियोगिता में 21 ब्लॉक के स्कूली छात्र कर रहे हैं प्रतिभाग, विजयी होने वाले प्रतिभागियों को मंगलवार को किया जाएगा पुरस्कृत। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा निकाला गया भव्य शोभा यात्रा, महापुरुषों के भेष में नजर आई स्कूली छात्राएं, 75 मीटर का तिरंगा यात्रा भी रहा शामिल।